ओम नमः शिवाय। भारत दर्शन के इस क्रम में आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बाबा भीषणनाथ धाम की तरफ। लखनऊ वाराणसी मार्ग पर लालगंज नामक एक तहसील स्थित है, जिसकी प्रतापगढ़ से दूरी 30 किलोमीटर है। लालगंज तहसील से 9 किलोमीटर की दूर पर स्थित है बाबा भीषणनाथ धाम। सातों दिन लोग यहाँ पर पूजा आराधना के लिए आते हैं और यह सई नदी का किनारा, जहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए, फूल माला के लिए लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के मंदिर की तरफ जाते हैं। और यह है मंदिर का सई नदी घाट की तरफ से ये मंदिर का दृश्य है। और यह विशाल दर्शक दीर्घा, जहां पर महाशिवरात्रि के दिन विशाल कार्यक्रम होता है, लाखों लोग जिस रंगारंग कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने आते हैं। घाट से सई नदी का दृश्य, पक्के घाट यहां पर बनाए गए हैं। ये दूर आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। ऐसी चहल पहल यहाँ रोजाना होती है। सोमवार और मंगलवार को दर्शनार्थी भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और मंगलवार के दिन पे यहाँ पर विशाल मेला, क्योंकि बहुत वर्षों से चला आ रहा है, मंगलवार को विशाल मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से दर्शनार्थी आवागमन करते हैं। और रोजाना की तरह ऐसी चहल पहल यहां पर दिखाई दे रही है। बाबा भीषणनाथ धाम का मुख्य द्वार, जिसके आसपास फूल प्रसाद कि तमाम सारी दुकानें आपको यहां पर दिखाई देती हैं। यहां से हम लोगों ने फूल और माला लेकर के भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर जी के आराधना पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले नंदी जी आपको दिखाई देते हैं। ये है वो भगवान शंकर जी का शिवलिंग। यहाँ पर लोग भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। भगवान शंकर जी के साथ ही साथ तमाम सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। बंदर आपको हमेशा इस मंदिर पर दिखाई दे जाएंगे। सामने बालाजी का मंदिर, श्री भैरव बाबा जी का मंदिर, कार्तिकीय भगवान का मंदिर, ये मंदिर से बाहर का दृश्य। लगभग सभी प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर आपको मिलेंगे।
तिरुपति जी बालाजी महाराज का ये मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। ये सोलर पैनल जो लगे हुए हैं और यहीं से विद्युत की व्यवस्था लगातार इस मंदिर प्रांगण में लोगों को प्राप्त होती है। मंदिर के बाहर का दृश्य आवागमन अनवरत रूप से चलता हुआ, सैकड़ों परिवारों की जीविका का साधन यहाँ पर फूल माला प्रसाद चुनरी किताब के जरिए चलता है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये रोज ही खुलती हैं। खास बात ये है कि इन दुकानों के मालिक इसे ऐसे ही ढक कर चले जाते हैं। ये सब्जी मंडी है जहां पर सब्जी की दुकानें लगती हैं हर मंगलवार के दिन। ये भी मंदिर के अंदर मंदिर की तरफ जाने का एक दूसरा रास्ता है जो सब्जी मंडी से होते हुए जाता है। मिश्रा चाट कार्नर बहुत ही प्रसिद्ध सई नदी के अंदर लोग नौका विहार करते हुए। घाट के सामने का ये सुंदर दृश्य, दो पैदल पुल भी यहां पर बनाए गए हैं और दूर से जाते हुए दिखता है लालगंज सांगीपुर मार्ग का वो पुल। ये है लालगंज सांगीपुर मार्ग की तरफ जाता हुआ पुल। सई नदी का अद्भुत नजारा। बहुत ही सुंदर यहां पर लोग रोजाना शाम के समय काफी सारी संख्या में आते हैं और इस प्राकृतिक छठा का आनंद उठाते हैं। ये पैदल पुल के पास का दृश्य, शनि जी का यहां पर मूर्ति लगा हुआ है। शनि जी की मूर्ति यहां चबूतरे पर लगी हुई है और ये घाट के उस पार से मंदिर का दृश्य। आज हम लोग जहां पर खड़े हुए हैं ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक विरासत है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बाबा भुवेश्वरनाथ का धाम है, जहां पर सैकड़ों वर्ष से हजारों लोग रोज आते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहां पर बहुत विशाल भीड़ होती है। हर मंगलवार और सोमवार को हजारों दर्शनार्थी अलग अलग जिलों से, सुदूर जिलों से यहां पर आते हैं और भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिससे उनकी तमाम सारी जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो आज मैं इसके महात्म्य के बारे में आप सबसे परिचित कराऊंगा और मैं यहीं के एक स्थानीय निवासी जो बाबा भुवेश्वरनाथ धाम के ही रहने वाले हैं, मैं पंडित रामकृष्ण मिश्र जी से आपको परिचित कराऊंगा और वो बताएंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए और कैसे यहाँ का नाम भुवेश्वरनाथ धाम पड़ा। तो आइए हम मिलाते हैं श्री रामकृष्ण मिश्र जी से, जो आपको यहाँ की कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। साथियों, सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल जंगल था और बहुत ज़्यादा भीषण जंगल था। तो यहाँ पे यादव जो है डेली अपने जानवर को चराने आता था
और चराता था, और जो बक्कल खूनता था, जो मूंज होती थी जिससे बाध बनता था, तो उसका डेली काम था, वो आता था अपना जानवर छोड़ देता था और बक्कल खूनता था। एक दिन अचानक उसको एक बढ़िया चमकीली शिवलिंग दिखाई दी, मतलब पत्थर दिखाई दिया। उसके मन में आया कि अब जड़ पे नहीं कूदेंगे, पत्थर पे कूदेंगे तो मेरा बक्कल बहुत बेहतरीन बनेगा। वो डेली पत्थर पे अपना बक्कल को खूनता था और जानवर को चराता था। एक दिन अचानक उस पत्थर से कड़कड़ाहट की आवाज़ आई और पूरे शिवलिंग में वो रक्त का प्रवाह बहुत तेज बहने लगा। तो यादव जो है डर के मारा वो घर चला गया छोड़ छाड़ के अपना। उसको रात में नींद नहीं आई, वो सोचने लगा कि वो पत्थर में क्या था और कहाँ से रक्त आया। इसी को सोचते सोचते वो सोया नहीं, फिर वो जो है रात में सुबह भोर में 4 बजे उठा, फिर आकर के बक्कल खूंदने लगा। और जब बक्कल खूंदने लगा तो शंकर जो उसमें जो है शंकर जी जो है प्रकट हो गए। तो यादव का नाम घुसर था। तो शंकर जी ने बोले कि उठो भक्त, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, आपको क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु आप प्रसन्न हैं तो हमारे 1 बीघे खेत में 100 मन गल्ला हो और आप यहाँ पे रह करके मनुष्य का उद्धार करिए। यादव का नाम घुसर था। तो शंकर जी से वो एक मांगन और मांगा था कि प्रभु पहले घुसर बाद में नाथ, यादव चालाक था, पहले अपना नाम जोड़ करके बाद में नाथ, कि उसका नाम जो है अमर हो जाए, तो इसीलिए घुसर नाथ यहाँ का नाम पड़ा। हर हर महादेव। आज मैं भगवान भोलेनाथ की धरती विश्वेश्वर नाथ धाम से आप सब सभी दर्शकों के साथ जुड़ रहा हूँ। आप सबको लगातार ही भारत दर्शन के क्रम में मैं अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहा हूँ। आज मैं आपको चर्चा करूंगा बाबा विश्वेश्वर नाथ धाम के बारे में, कैसे इसका नाम विश्वेश्वर नाथ धाम पड़ा। यहाँ के लोगों में एक धारणा प्रचलित है कि बाबा विश्वेश्वर नाथ धाम बनने के पीछे, इस नाम के पीछे एक कहानी है। यहाँ पर सुदेहा और सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। शादी के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसकी छोटी बहन घोषिमा से शादी कर ले। सुधर्मा इसके लिए तैयार नहीं था, पर बार बार कहने के बाद सुधर्मा ने घोषिमा से विवाह करने का निर्णय लिया। घोषिमा से सुधर्मा का विवाह हो गया और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और उस बच्चे की भी शादी हो गई, उस लड़के की शादी हो गई। सुदेहा को लगता था कि उसका मान सम्मान कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इसके पीछे जो उसे कारण नजर आया वो था घोषिमा का पुत्र। और उसने एक दिन निर्णय लिया कि घोषिमा के पुत्र की वो हत्या करेगी और रात में सोते हुए घोषिमा के उस पुत्र की हत्या करने के बाद एक तालाब के अंदर फेंक दिया। और उसी तालाब में घोषिमा रोज सुबह 101 पार्थिव शिवलिंग जिसका निर्माण करती थी, भगवान की पूजा आराधना करने के बाद उन शिवलिंगों का उसी तालाब में विसर्जन करने जाती थी। सुबह सुबह जब उसे पता चला कि उसके पुत्र की हत्या हो गई है, उस समय वो भगवान शिव की पूजा में लीन थी, लेकिन वो पूजा छोड़कर उठी नहीं और पूजा संपूर्ण करने के बाद उस तालाब में विसर्जन करने के लिए गई। विसर्जन 101 पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया, तनिक भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। और यह देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और साक्षात उसके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद घोषिमा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, तुम्हारे पुत्र की हत्या की खबर भी तुम्हें मिली, फिर भी तुम मेरी पूजा छोड़कर नहीं उठी, इसकी वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित होने का वरदान देता हूँ। और इतना कहते ही वो पुत्र तालाब से बाहर निकल करके आता है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। घोषिमा ने कहा भगवान अगर आप मुझसे खुश ही हैं तो आप के नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए। और यही वजह थी, घोषिमा उसका नाम था और ईश्वर के साथ घोषिमा जुड़ने के बाद इस जगह का नाम घुष्मेश्वर नाथ धाम पड़ा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग इसको घुष्मेश्वर नाथ के नाम से जानने लगे। आसपास के तमाम राज्यों के लोग भी यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। मलमास में यहाँ पर कांवरियों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, लाखों कांवरिये यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गंगा जी से जल लेकर के यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने बाबा घुष्मेश्वर नाथ धाम जरूर आए। धन्यवाद। हर हर महादेव।